वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। ओएनजीसी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल गया आईटीएफआई स्टूडेंट के लिए जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर परमानेंट बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ पाइप फिटिंग्स पार्ट वन लेके। देखिए ये जो क्लास है ये क्लास भी मैं पिछला जो IOCL का एग्जाम हुआ था उसमें मैं करवा दिया था, फिर भी मैं ये वीडियो दोबारा दे रहा हूँ क्योंकि अगर कोई नया स्टूडेंट है उनके लिए हेल्प हो जाएगा और आपको आपका रिवाइज के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। और ये PDF भी मैं डायरेक्ट दे दूंगा, अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिल रहा है तो ये PDF भी मैं डायरेक्ट फिर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको जानना है आप कौन सा एग्जाम दे रहा है, कौन सा कंपनी है, कौन सा महारत्न नवरत्न कौन सा कंपनी है, ये आपको जानना है। तो ये जानकारी रखने के बाद आपको देखना है वो कंपनी क्या करता है, वो जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो क्या करता है। तो ये ONGC में, ये ONGC IOCL में इस सब में पाइप फिटिंग्स वाल्व इस सब से क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर वन, गेट वाल्व इज मोस्ट सुइटेबल फॉर द प्रेशर एंड फ्लो आर। गेट वाल्व इज मोस्ट सुइटेबल फॉर द प्रेशर एंड फ्लो आर कॉन्स्टेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड फॉर पाइप्स व्हिच कंडक्ट वाटर एंड एयर। जो पाइप एयर और वाटर को कैरी करता है उसको जो पाइप उसमें जो पाइप यूज किया जाता है वो पाइप कौन सा मटेरियल से बनता है, आंसर कॉपर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाइप थ्रेड। कुछ ऑप्शन दिया गया था उसमें पूछा गया इनमें से कौन सा आपका स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, आंसर BSP आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कुछ ऑप्शन दिया गया, व्हिच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज जनरली यूज टू कट थ्रेड्स ऑन GI पाइप में थ्रेड काटने के लिए क्या यूज करते हैं, बाई डाई एंड स्टॉक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुछ ऑप्शन दिया गया इज इंक्लूडेड एंगल ऑफ पाइप थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, 55 डिग्री, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन कैन बेंड द पाइप्स अप टू ए डायमीटर ऑफ। हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग जो मशीन है वो कितना डायमीटर का पाइप बेंड कर सकता है, आंसर 75 mm आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कुछ ऑप्शन दिया गया, पाइप्स इज बेंड बाय बेंच टाइप हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडर। कौन सा टाइप का पाइप को बेंड किया जा सकता है बेंच टाइप हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडर से, आंसर GI पाइप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग फिर ऑप्शन दिया गया इज कंसीडर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ फॉर्मर ऑफ ए पाइप बेंडर। पाइप बेंडर को सिलेक्ट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मर यूज करेंगे, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द पाइप ये आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुछ ऑप्शन दिया गया इज यूज टू सेपरेट द कनेक्शन विदाउट डिस्टर्बिंग द पाइपलाइन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा फॉलोइंग कुछ ऑप्शन दिया गया उसमें यूज टू सेपरेट जो सेपरेट करता है विदाउट डिस्टर्बिंग, कोई आपका कोई एक पाइपलाइन है उसको विदाउट सेपरेट कर रहे विदाउट डिस्टर्बिंग, तो उसको करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, आंसर यूनियन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कुछ ऑप्शन दिया गया इज यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ इन स्ट्रेट लाइन बाय जॉइनिंग टू डिफरेंट डायमीटर पाइप। कोई दो डिफरेंट डायमीटर का पाइप है, दोनों डिफरेंट डायमीटर पाइप स्ट्रेट लाइन में है, उनको ज्वाइन करने के लिए जो आप यूज करते हैं इसको क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग सॉकेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कुछ ऑप्शन दिया गया इज यूज टू ब्लॉक अप द पाइप ऑन द एंड। कोई एक पाइप है, पाइप का एंड में आपको यहाँ पे ब्लॉक करना है जो यूज नहीं हो रहा है पाइप, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, प्लग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुछ ऑप्शन दिया गया एकोमोडेट फोर पाइप्स इन ए पाइप फिटिंग। पाइप फिटिंग में फोर पाइप को चारों दिशा से जो चार पाइप आ रहा है
ये चारों पाइप को आप एक फिटिंग का जरिए से आप इसको अटैच करना चाह रहा है, तो उसको कैसे आप अटैच करेंगे, तो उसको जो वो जो कंपोनेंट है, वो जो एक्सेसरीज है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्रॉस। क्रॉस आपका वो फिटिंग्स जिसका जरिए से आप चार पाइप को एक साथ में अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रांच राइट एंगल। पाइप, ये एक पाइप है और यहाँ से एक पाइप जा रहा है, दोनों पाइप को आप एक साथ में राइट एंगल में, मतलब 90 डिग्री राइट एंगल में आपको अगर ज्वाइन करना है, तो उसमें क्या ज्वाइन, कैसे ज्वाइन करेंगे आप, उसमें आप टी ज्वाइंट आपको करना है। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन देंगे, इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। कौन सा जो आपको वाटर फ्लो करने के लिए यूज करेंगे आप, ग्लोब वाल्व, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा डायरेक्शन में, यूज टू कंट्रोल द फ्लो, कंट्रोल द फ्लो करने के लिए जो होता है वो ग्लोब वाल्व होता है। नेक्स्ट, गेट वाल्व परमिट्स वाटर फ्लो इन, गेट वाल्व परमिट्स वाटर फ्लो इन, आंसर स्ट्रेट लाइन, आंसर स्ट्रेट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन द स्वाजिंग चेक वाल्व, द स्विंग चेक वाल्व, सॉरी द स्विंग चेक वाल्व इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर बाय, स्विंग चेक वाल्व में वाटर को फ्लो करने के लिए जो कंट्रोल करता है वो क्या करता है, वो फ्लैप करता है। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, कुछ ऑप्शन दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग नॉन रिटर्न वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व बनाने के लिए कौन सा मटेरियल आप यूज करते हैं, तो यूज करते हैं ब्रोंज। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बटरफ्लाई वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व का फंक्शन क्या है, फ्लो रेगुलेशन, फ्लो रेगुलेशन, ये बटरफ्लाई वाल्व का नॉर्मल वर्किंग और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रेगुलर फ्लो को रेगुलेट करना। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दे गया, वाल्व इज बेटर फॉर ऑन ऑफ कंट्रोल, ऑन ऑफ कंट्रोल के लिए कौन सा वाल्व यूज करना चाहिए, बॉल वाल्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, चेक वाल्व इज ऑल्सो कॉल्ड, चेक वाल्व इज ऑल्सो कॉल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चेक वाल्व इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिटर्न वाल्व, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द प्लग वाल्व, प्लग वाल्व का अदर नेम क्या होता है, आंसर स्लिम वाल्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 और 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया, यही से गलती होता है, तो ये आपको बार बार देखना है, ये दोनों को बार बार देखिए। नेक्स्ट, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे जो दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार आप लोग देखिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पिंच वाल्व, पिंच वाल्व का पर्पस क्या होता है, आंसर स्लरी फ्लो रेगुलेशन, स्लरी क्या होता है, जैसे सीमेंट और बालू, इसको अगर आप मिक्स करेंगे, उसको जो तरल का जो ऑप्शन रहेगा, लिक्विड का ऑप्शन जो रहेगा, उसको क्या बोला जाता है, उसको स्लरी बोला जाता है, तो उसको फ्लो करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, पिंच वाल्व हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट, इन ग्लोब वाल्व्स द फ्लो रेट कंट्रोल्स इन इज डिटरमाइंड बाय, द ग्लोब वाल्व में फ्लो रेट कंट्रोल बाय, कंट्रोल किसे होता है, लिफ्ट ऑफ द वाल्व प्लग, लिफ्ट ऑफ द वाल्व प्लग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ दीज आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विड इन सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए आप यूज करेंगे चेक वाल्व, चेक वाल्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दीज आर यूज्ड फॉर थ्रॉटलिंग वाल्व, थ्रॉटलिंग वाल्व कौन से किसके लिए यूज करेंगे, आंसर थ्रॉटलिंग वाल्व के लिए, बटरफ्लाई वाल्व, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच वाल्व इज यूज्ड ऑन द स्ट्रेट लाइन ऑफ फ्लूइड एंड मिनिमम रेस्ट्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, आंसर आप गेट वाल्व यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन फ्लो के लिए और मिनिमम रेस्ट्रिक्शन के लिए, मिनिमम रेस्ट्रिक्शन और स्ट्रेट लाइन फ्लो के लिए आप गेट वाल्व यूज करेंगे। नेक्स्ट, व्हिच वाल्व इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच वाल्व इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन हाउसहोल्ड एप्लीकेशन, आंसर ग्लोब वाल्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच वाल्व इज यूजुअली नॉट प्रेफर्ड फॉर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन, फ्रीक्वेंट ऑपरेशन के लिए नॉट प्रेफर्ड, प्रेफर्ड देखिए यहाँ पे, गॉड से देखिए यहाँ पे नॉट, ये टाइप का क्वेश्चन आपको बार बार देखना है, नॉट प्रेफर्ड फॉर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन, आंसर गेट वाल्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ वाल्व इज प्रेफर्ड फॉर वैक्यूम एप्लीकेशन, वैक्यूम एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे डायफ्राम वाल्व, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मटेरियल, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द रेमिडियल मेजरमेंट मेजर टू स्टॉप
द ड्रिपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द हाउस होल्ड टैप इवन आफ्टर फैमिली क्लोज। अगर हाउस होल्ड कोई टैप है, टैप से पानी आप टैप जो है टैप को आप टाइट कर दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ से पानी टपक रहा है, तो इसको बंद करने के लिए जो आप करेंगे तो क्या करेंगे, रिप्लेस द वॉशर, आप वॉशर को रिप्लेस करें क्योंकि वॉशर खराब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, पाइप आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, पाइप आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल एंड नॉमिनल डायमीटर, शेड्यूल एंड नॉमिनल डायमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, एसेंट्रिक रिड्यूसर आर यूज्ड इन पाइपलाइन इन, एसेंट्रिक रिड्यूसर आर यूज्ड इन पाइपलाइन इन, आंसर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, एसेंट्रिक रिड्यूसर आर यूज्ड इन पाइपलाइन इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली फिटिंग फॉर बिग डायमीटर पाइप जॉइंट इज यूज्ड, जनरली फिटिंग फॉर बिग डायमीटर पाइप जॉइंट इज यूज्ड, आंसर फ्लेंज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इन पाइपलाइन फिटिंग एक्सेसरीज यूज्ड टू पाइप पीसेस शॉर्ट और लॉन्ग इज कॉल्ड, जो पाइप फिटिंग में जो एक्सेसरीज यूज किया था उसमें जो पाइप पीसेस शॉर्ट और लॉन्ग होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है निपल्स, निपल्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाट जॉइंट इज यूज फॉर टेम्पोररी पाइपलाइन, कौन सा जॉइंट यूज किया जाता है टेम्पोररी पाइपलाइन के लिए, आंसर फ्लेंज जॉइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुइच मटेरियल इज यूज फॉर ज्वाइनिंग सी आई पाइप, सी आई मतलब क्या है, सी आई मतलब कास्ट आयरन, हुइच पाइप इज ज्वाइंट फॉर यूजिंग सी आई पाइप, आंसर हुइच मटेरियल, मटेरियल होगा आपका लीड, आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, हुइच पाइप रेंज, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू आर ई, हुइच पाइप रेंज इज यूज फॉर होल्डिंग लार्ज डायमीटर पाइप, लार्ज डायमीटर पाइप को होल्ड करने के लिए आप यूज करेंगे चेन रेंज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो स्पेलिंग है ये स्पेलिंग ये होगा तो इसमें गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक मेरा है। नेक्स्ट हुइच वाल्व इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द सक्शन पाइप फॉर होल्डिंग वाटर इन द सक्शन पाइप, जो आप पंप यूज करते हैं डी वाटरिंग के लिए, फ्लोड फ्लोड में फ्लडिंग टाइम पे, और आप जो यूज़ करते हैं कल्टिवेशन फील्ड में जो यूज़ करते हैं चार्ज के लिए, तो उसमें एकदम पानी के नीचे ऐसे एक वाल्व लगा रहता है जिसमें ये पाइप और यहाँ से पानी निकलता है, तो ये जो वाल्व है इसको ये पानी को होल्ड करके रखता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका, इसको बोला जाता है फूड वाल्व, आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसको बोला जाता है आपका फूड वाल्व, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो वाल्व के लिए मैं बोल रहा हूँ ये आप सभी लोग देखे होंगे, जमीन जमीन के जो कल्टीवेशन मतलब चास के लिए होता है उसमें यूज किया जाता है, फ्लोडिंग कंट्रोल के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हुइच वाल्व इज यूज टू परमिट फ्लूइड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन के फुल फ्लो करने के लिए, एंड ब्लॉक द फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए ब्लॉक करता है, आंसर हो जाएगा आपका चेक वाल्व, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोवाइडेड ऑन एल्बो एंड बेंड्स इन पाइप वर्क, पाइप वर्क में जो एंगल होता है बेंड्स और एल्बो में क्या होता है, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का टॉपिक, इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।